जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों के द्वारा पुलिस अधीक्षक नवादा सर के आदेशानुसार नवादा जिला में साइबर के ऊपर काफ़ी कार्य किया जा रहा है। इसी संदर्भ में आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा भी एक कलेक्टिव स्टार्ट किया गया है, जिसमें वो कुछ नंबर्स चिन्हित करके देते हैं जो कि NCERT पोर्टल पर जिन पर शिकायत दर्ज है और उन पर साइबर प्रहार में इस ड्राइव चलाया जाता है। अभी वो वही समय चल रहा है, हम लोग को साइबर प्रहार के अंदर इस ड्राइव चलाना था, तो हम लोग कुछ आइडेंटिफाइड नंबर्स को फॉलो करते हुए छापामारी करने पैंगरी गांव वार्सलीगंज थाना में गए। वहाँ पर जब हम गए तो हमें बहुत सारे लोग एक बगीचे में साइबर ठगी करते हुए दिखे। जब हमने उनको खदेड़ा तो हमें देख के बहुत लोग भागने लगे। हमने बहुत दूर दूर तक खदेड़ के गाँव खेत में से और हम लोग पकड़ के लाए। वहाँ से फिर हम लोग चार लोगों को पकड़ के लाए, उनकी निशानदेही पे फिर हमें एक और ले आए पैंगरी गांव के लड़के को, जो उसके पास से भी वो नंबर्स मिले हैं जो साइबर ठगी किया जा रहा था। तो कुल पाँच अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार हुए हैं जिन्हें न्यायालय में भेजा जा रहा है। ये लोग इस्लामिक फाइनेंस बैंक के नाम पे 0% इंटरेस्ट रेट पर लोन दिलाने के नाम पे ठगी करते थे और साथ में डोमिनोज एंड जूडियो का फ्रेंचाइजी देने के नाम पर ठगी करते थे। इन लोगों के पास वही डेटा है, वो अब बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं। पुराने डेटा ये नहीं रखते, एक दिन का डेटा रख रहे हैं और उस पर कॉल करते हैं, डेली ये सारे डेटा फाटाते हैं। तो लेकिन हमारे पास दो कॉपीज़ भी मिली हैं जिसपे हर एक दिन के ये जितने लोगों को कॉल किए हैं उनके नंबर, मोबाइल नंबर, राज्य, ईमेल आईडी इत्यादि लिखे हुए हैं और उसके सामने क्या उसकी बात हुई ये लिखे हुए हैं। स्पेशली लोन के केस में ये लोग 1750 रुपये का ये मांगते थे प्रोसेसिंग फ़ी और उसके बाद अदर फी के नाम पे और पैसे मांगते थे, लेकिन जो फ्रेंचाइजी देने के नाम पे ये बहुत बल्क अमाउंट मांगते थे। जैसे 2 से 3 लाख रुपया शुरू में प्रोसेसिंग फ़ी मांगते थे, उसके बाद NOC के नाम पे 5 से 8 लाख रुपये मांगते थे। जैसे हमें एक वादी मिले हैं तेलंगाना के, जिनकी वाइफ के नाम पे उन्होंने यही जूडियो फ्रेंचाइजी के लिए पैसे मांगे थे, वाइफ के नाम पे उन्होंने ऑप्ट किया था, उन्होंने कुछ 8.5 लाख रुपये इन्हें दे दिया है। उनका FIR भी तेलंगाना पुलिस के पास है, जिससे हम तेलंगाना पुलिस से भी समन्वय स्थापित कर रहे हैं ताकि इन लोगों को वहाँ भी रिमांड किया जा सके। हमारे साथ कुल हमारे थाना एवं पुलिस लाइन से उपलब्ध स्वैट बल उपलब्ध थे, जिनके साथ हम लोगों ने ये पूरी छापामारी की है। हमने टोटल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम शशि कुमार है जो वार्सलीगंज नवादा के हैं, पवन कुमार हैं जो भी पैंगरी वार्सलीगंज नवादा के हैं, एक और है शशिकांत कुमार उर्फ डब्लू जो कि पैंगरी गांव के ही हैं वार्सलीगंज नवादा, एक और शशिकांत कुमार हैं जिनका नाम और भी है गुड्डू, वो है बिहार शरीफ के नालंदा के, रवि कुमार हैं जो कि बेगूसराय बिहार शरीफ के हैं नालंदा के। इनके पास से कुल हमें 16 मोबाइल मिले हैं, जिनमें कुल 3 मोबाइल पर बहुत सारे FIR और शिकायत NCERT पोर्टल पर दर्ज है। इनके पास से वो 2 कॉपी मिली हैं जिन पर डेटा शीट है पूरी, और डेटा शीट अलग से भी मिली है 4 पेज, आधार कार्ड मिले हैं एक ही आदमी के 4 जिसपे वो अलग अलग फ़ोटो अलग अलग नाम का इस्तेमाल करके अपना ही बनाए हुए हैं अपने पास रखा था, उसी के वोटर कार्ड मिले 4 जो कहीं पर नाम चेंज है कहीं पर डेट चेंज है, उसके बाद पैन कार्ड ATM 4 मिले हैं। बस इतना आज का है और फर्दर हम इनके जो कुछ दोस्त लोग जो भाग गए हैं, जिनको मैंने 7-8 किलोमीटर तक हमने पानी भरे हुए खेत में खदेड़ा रोका, उनको पकड़ने में हम फर्दर लगेंगे और उन्हें जल्दी उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। उन लोग क्या चिन्हित हो गए? नहीं, पैसे तो बरामद नहीं हुए क्योंकि ये बगीचे में ऐसी शीट लगा के बैठ के अपना करते हैं, कॉलिंग करते हैं, तो इनको डेटा कोई और उपलब्ध करवाता है, अकाउंट नंबर कोई और उपलब्ध करवाते हैं, मोबाइल नंबर भी कोई और उपलब्ध करवाते हैं जो इनके गैंग के लीडर्स हैं, हम जानते हैं उनको वो कौन है अभी हमें पता चल गया है और उनके ऊपर हम कार्रवाई भविष्य में करते हैं। गैंग जो गैंग का लीडर है इस कंपनी का वो नहीं गिरफ्तार हुआ? नहीं, वो भाग गया। बहुत दूर तक हमने खा दे रहा, मतलब 7-8 किलोमीटर तक पानी हाँ अभी तो पानी वो नदी के किनारे वो बहुत सारी झाड़ियाँ में वो पता नहीं किधर छुपे, बहुत ही कटीली झाड़ियाँ सकरी नदी में बगल में।